Let's do question number 10th of exercise 3.7, that is playing with numbers. Question number 10th is find the LCM of the following number. हमें LCM निकालना है इन सब numbers का. Observe a common property in the obtained LCM. हमें ये निकालना है कि कौन सी property, common property LCM निकालने में हमारी आई है. Is LCM the product of two numbers in each case? क्या LCM जो आया है वो इन दो numbers का product आया है कि नहीं आया है? तो first case में देख लेते हैं 9 and 4 का LCM निकाल के. तो देखिए 9 और 4 का LCM निकाला तो 2 से गया, 9 नहीं जाएगा तो 9 as it is लिख देंगे. 2 2s are 4. अब again 2 से जाएगा, 9 नहीं जाएगा तो as it is लिखा 2 1s are 2. अब 3 से 9 डिवाइड हो जाता है तो 3 3s are 9. 1 as it is आ गया. अब अगेन 3 से 3 1s are 3. तो LCM कितना आ जाएगा 9 और 4 का? तो देखिए 2 टाइम्स तो 2 है और 2 टाइम्स 3 है, राइट? तो ये कितना आ गया 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. तो अगर आप देखेंगे 36 क्या है? 9 into 4 है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, राइट? नेक्स्ट पार्ट करते हैं. बी पार्ट है हमारा 12 and 5. तो देखिए 12 और 5 का एलसीएम निकालेंगे. 2 से जाएगा, 2 6s are 12, 5 as it is. 5 क्योंकि डिवाइड नहीं होगा इसलिए as it is. अगेन 2 से चला जाएगा, 2 3s are 6, 5 as it is. अब 3 से गया, 3 1s are 3, 5 as it is और 5 1s are 5, राइट? तो LCM कितना आ गया? LCM आ गया 2 times 2, 1 time 3 and 1 time 5. तो ये कितना आ गया 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. अगर आप देखेंगे ये भी प्रोडक्ट है टू नंबर्स का. लेट्स डू सी पार्ट नाउ. सी पार्ट आया हमारा 6 and 5 का, हमें एलसीएम निकालना है. तो 6 और 5 ले लिया तो सबसे पहले 2 से जाएगा क्योंकि 6 2 के टेबल में आता है. 2 3s are 6 और 5 एज इट इज़. अब 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 1s are 3, 5 एज इट इज़ एंड 5 1s are 5. तो LCM क्या आ गया? LCM आ गया 1 time 2, 1 time 3 and 1 time 5. तो ये कितना आ गया 2 3s are 6, 6 5s are 30, राइट? तो ये भी इन दोनों का प्रोडक्ट है. अब लेट्स टू लास्ट पार्ट नाउ. लास्ट पार्ट है हमारा 15 and 4. तो देखिए 15 और 4 का LCM निकाल लेते हैं. 4 2 से डिवाइड होता है और 15 नहीं होता तो एज इट इज़ लिख दिया. 2 2s are 4. अब अगेन 2 2 से ही डिवाइड होगा, 15 एज इट इज़ आ गया, 2 1s are 2. अब 15 3 के टेबल में आता है, 3 5s are 15 और 5 1s are 5. तो हमारा LCM कितना आ गया 2 times 2, 1 time 3 एंड 1 time 5. तो ये आ गया हमारा 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. तो ये भी अगर आप देखेंगे इन दोनों का मल्टीपल है. तो हम लिख सकते हैं कि इस केस के लिए इज LCM द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस? यस. लेकिन ये एक चीज़ और कह रहा है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इन द ऑब्टेन्ड LCMs. तो देख लेते हैं. अब अगर आप देखेंगे ए पार्ट में आ रहा था 36, इसमें आ रहा था 60, सी पार्ट में 30 एंड देन 60. तो अगर आप ये देखें ये सारे हैं किसके मल्टीपल्स? ये 6 के भी मल्टीपल्स कह सकते हैं, 3 के भी मल्टीपल्स कह सकते हैं, 2 के भी मल्टीपल्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन प्रॉपर्टी इन द obtained LCM is that they all are multiple of ऑफ 2 के मल्टीपल्स कह सकते हैं, 3 के मल्टीपल्स कह सकते हैं एंड 6 के मल्टीपल्स कह सकते हैं. दैट्स इट. तो ये एक हो गई. और दूसरा क्या कह रहा था, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इन ईच केस. यस, सेकेंड पार्ट का आंसर लिख रही हूँ, एलसीएम इज द product of 2 numbers in each case. Answer. Let's do question number 11. Question number 11 is find the LCM of the following numbers in which one number is the factor of the other. वो कह रहा है इन सब numbers का LCM निकालना है जिसमें एक number दूसरे number का factor है. राइट, वॉट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन. और जब आप रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे तो क्या रिजल्ट ऑब्टेन किया ये बताना है. तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट है हमारा 5 और 20. तो 5 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं, एक साथ निकाल लेते हैं 5 और 20 का एलसीएम. तो देखिए 2 से जाएगा 5 एज इट इज़, 2 1s are 2 एंड 0. अगेन 2 से 5 एज इट इज़, 2 5s are 10. अब 5 1s are 5, ये आप लोगों को आता होगा. हम इस 2 से डिवाइड करें, 5 डिवाइड नहीं होता तो इसलिए 5 2 10s are 20. इसी तरीके से 5 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 10 को डिवाइड करें तो 5 एज इट इज़ उतार लिया, 2 5s are 10. अब नाउ 5 1s are 5, दोनों 5 डिवाइड हो गए 1 से. तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों नंबर का 5 और 20 का, दैट इज 2 into 2 into 5. तो ये कितना आ गया, 20 आ गया हमारा. कैसे, देखिए 2 2s are 4 4 5s are 20. इसी तरीके से बी पार्ट करते हैं, 6 and 18 दोनों नंबर्स का एलसीएम एक साथ निकालेंगे. तो देखिए 6 और 18 का, अब 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं तो 2 3s are 6 और 2 9s are 18. हम कॉमा लगाते हैं बीच में. राइट, अब दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं तो 3 1s are 3 3 3s are 9. देखिए 3 1s are 3 3 3s are 9. इसी तरीके से 3 से जाएगा और 1 एज इट इज़ आएगा तो 3 1s are 3. तो एलसीएम कितना आ गया दोनों नंबर्स का, एलसीएम आ गया 2 into 3 into 3. तो ये कितना आ गया, देखिए 2 3s are 6 6 3s are 18. राइट, अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में 5 और 20 का एलसीएम निकाला था तो 20 बिगर वैल्यू आई थी. इसी तरीके से 6 और 18 का एलसीएम निकाला तो 18 आया. लास्ट के 2 पार्ट्स भी देख लेते हैं कि क्या सेम आएगा. बिगर वैल्यू आ रही है, अगर आप देखें नोटिस करें तो बिगर वैल्यू आ रही है दोनों में से. सी पार्ट देखते हैं, 12 and 48. इसमें 48 आना चाहिए जैसा कि हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में देखा था. तो चलिए करते हैं एलसीएम. अब दोनों नंबर 2 से चले जाएंगे, 2 6s are 12, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8. अब फिर से 2 से चले जाएंगे दोनों नंबर, 2 3s are 6, 2 12s are 24. अब अगेन 2 से जाएगा, 3 एज इट इज़, 2 6s are 12. अब अगेन 2 से जाएगा, 3 एज इट इज़, 2 3s are 6. तो देखिए अब दोनों नंबर 3 से जाएंगे, 3 1s are 3. तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 और 48 का. देखिए 4 times 2 2 है और 1 time 3 है तो 2 into 2 into 2 into 2 into 3. तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 2s are 4 2s are 8 8 2s are 16 16 3s are 48. देखिए मैंने कहा था ना दोनों नंबर में से बिगर वैल्यू आ रही है. अब डी पार्ट से भी वेरीफाई कर देते हैं तो हमें रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा. राइट, तो डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है हमारा 9 and 45. तो हमारा एलसीएम अब की बार 45 आना चाहिए. देखते हैं, अब देखिए ये दोनों नंबर 2 से नहीं डिवाइड होंगे, 3 से डिवाइड होंगे तो 3 3s are 9 और 45 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 into 15 is 45. राइट, अब फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 1s are 3, 3 5s are 15. अब नाउ 5 1s are 5. तो एलसीएम कितना आ गया, 2 times 3 और 5 तो ये आ गया हमारा 3 3s are 9, 9 5s are 45. ये यहाँ भी बिगर वैल्यू आई तो हम क्या लिख सकते हैं रिजल्ट में कि LCM in each case is the larger number of the two numbers. दो numbers में से जो भी larger number था वही क्या था हमारा LCM था आंसर.